कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जब से कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फैला था, सब लोग ज़्यादा ही अवेयर हो गए हैं अभी हेल्थ के बारे में। तो सबके सब लोग काफ़ी हद तक, अब कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ज़रा से भी खांसी वगैरह होती है, कुछ भी होता है, ठीक है, बड़ी से बड़ी चीज़, ठीक है, तो आप सभी के सब लोग एडवाइस लेते हैं ऑनलाइन, दैट्स कॉल्ड टेली मेडिसिन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूमिंग इंडस्ट्री है। तो अगर इसमें जैसे मेडबडी हो गया, अपोलो का हो गया, काफ़ी सारे हर हेल्थ इंश्योरेंस आपको देता है। इवन गवर्नमेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, टेली मेडिसिन। तो इस तरह की अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करे, वो डॉक्टर उसको जो भी उसके प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी टेस्ट है, जो भी डायग्नोसिस करना वो करे, और आप भी कुछ एक अमाउंट कमाएं, तो आप एक इस तरह का एक सास बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है, बिना किसी कॉस्ट के, ऑफकोर्स बिना किसी कॉस्ट के, मेरा मतलब है विदाउट इन्वेस्टिंग इन लैक्स ऑफ रुपीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेडबडी आपको पता होगा वो कैसे वर्क करता है। बेसिकली आप इसमें, यहाँ पे जाते हैं, स्टार्ट कंसल्टेंट पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको पैकेज लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्टर कोई भी, जिस किसी भी तरह की आपको जो भी आपके प्रॉब्लम है आपसे सेलेक्ट करते हैं, और देन आप कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर का आपके पास कॉल आ जाता है, ठीक है। इस तरह से बेसिकली वर्क करता है। इस तरह काफ़ी सारे ऑप्शन है। इसके लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करें डॉक्स, सासपेस, डॉक्टर चैम्बर, प्रिस्क्रिप्शन एंड अपॉइंटमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके गूगल जूम और गूगल मीट दोनों के साथ वर्क करता है। तो आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं, हर तरह के पेमेंट गेटवे, चाहे इसमें पेपाल हो गया, इंटरनेशनल हर जगह चल रहा है, आपका रिजर्व पे हो गया, इंडियन पेमेंट गेटवे हो गया, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिपेंडेंसी, तो पहले हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इसमें अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, सिर्फ चार यूज़र पैनल है। फर्स्ट हो गया एडमिन, मेन एडमिन जो पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करेगा, देन डॉक्टर का स्टाफ, देन तीसरा और चौथा हो गया हमारा पेशेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू उसका भी ऑप्शन है, रेटिंग है, रिव्यू का ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी तरह के पेमेंट गेटवे हैं। चार यूज़र जो मैंने आपको बताया था वो हो गया। पावरफुल इनकम प्लान आपका हो गया, पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू आप सब देख सकते हैं ग्राफिक्स में। डॉक्टर वेरिफिकेशन हो गए, सब कुछ है, सास रेडी है, मतलब मल्टीपल डॉक्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं इसको आपके लिए अपने लिए यूज़ करना है, आप इसको बना के इजीली कर सकते हैं। तो चलें सेटअप करें। तो सेटअप करने के लिए हमें क्या चाहिए, होस्टिंग, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक होस्टिंग है, तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हम जाते हैं, मैंने ऑलरेडी डेमो अकाउंट है मेरे पास। तो इस प्रोसेस के लिए थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली आपको होस्टिंग अकाउंट लेना है, देन आपका उसके अंदर फोल्डर बना लीजिए, या मेन फोल्डर में आपको फाइल अपलोड करनी है। तो मेरे पास ऑलरेडी फाइल है, तो मेरे पास ये है, तो मैं इसे यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, ये आर्काइव में पड़ी हुई है, तो मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे फाइल आ गई, मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ। जो भी आपका फोल्डर का नाम आपको देना है वो दे दीजिए। ओके, मैंने दे दिया, तो मेरे को उसको वापस से बाहर भेजना पड़ेगा, तो हम इसको वापस से एक फोल्डर बाहर भेज देते हैं। तो ये क्या सेटअप हो गया, इसे हम खोल के देखते हैं, नहीं हुआ, बट हमको यहाँ पे डालना है इंस्टॉल। यहाँ पे सेटअप हो गया, और यहाँ पे हमको अपना जो भी लाइसेंस की है, वो परचेस कोड है, वो डालना है, तो मैं इसे डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके फाइल्स एंड परमिशन आ जाएगी, तो सभी ऑलमोस्ट परमिशन है। देन आता है डाटाबेस, तो हमें यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करना है। तो हम आपकी जो भी होस्टिंग है आप उस पर जाइए, डाटाबेस पे जाइए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम डेमो टू दे देते हैं, और ये हमारा यहाँ पे हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं डाटाबेस टू, डाटाबेस यूज़र नेम, और यहाँ पे हमारे जो भी क्रेडेंशियल थे उनको डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास, हमें पास डिटेल्स आएंगी, हमें जो एडमिन डिटेल डालनी है, तो एडमिन, हम एडमिन के साथ चले जाते हैं। यहाँ पे हम demo1@, जो भी आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, जहाँ जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं, तो वो दे दीजिए। तो मेरे केस में मैं डेमो के साथ जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास सास बेस डॉक्टर आ गया, सब कुछ ऑलरेडी आ गया, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइजिंग पैकेज के आ गए, यहाँ पे देखिए सब डॉलर में आ रहा है, इसको हम चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा लॉग इन पे। तो जो भी आपने अभी बनाया था यूज़र, उसकी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी, क्रेडेंशियल्स, उनको आपको यहाँ पे डाल देना है। डालेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, तो मैं कुछ इंटरफेस आपको समझा देता हूँ। इसको हटाते हैं यहाँ से।
सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद, ओके, ऑलरेडी ईमेल एड्रेस में है यहाँ पे, इसलिए बार बार दिखा रहा है। तो यहाँ से आपका फैब आइकन, जो ऊपर का आइकन है, लोगोज़ वगैरह जो भी पीछे, जो भी आपको फ्रंट साइड पे दिख रहा था, आप उसको, अब इसको हम INR कर देते हैं, सपोज आप इंडिया में अगर सेटअप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेटअप कर दिया, प्रेफरेंसेज में आ गया कि आपको मल्टी लैंग्वेज रखना है, ठीक है, या नहीं रखना, रजिस्ट्रेशन सिस्टम अनेबल करना है, पेमेंट अनेबल करना, नहीं करना, ईमेल वेरिफिकेशन, ब्लॉग, वर्क फ्लो, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, आपको अनेबल। यहाँ पे अगर आप मेन जूम की डालना चाहें तो सबके लिए, और उसके लिए हम दूसरे अंदर सेटिंग में बात करेंगे। यहाँ पे SMT इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिसके थ्रू गूगल की बाई डिफॉल्ट, या अगर गूगल के थ्रू आप मेल भेजना चाहते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज़ जो आपकी होस्टिंग की डिटेल्स होंगी, जो कि आपको ईमेल सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसको आपको यहाँ पे डाल देना, जिसके थ्रू आपको मिल जाएगा। सोशल सेटिंग, फेसबुक वगैरह, और डॉक्टर वेरिफिकेशन, देखिए कोई भी डॉक्टर रजिस्टर कर सकता है, पर डॉक्टर है ये बड़ी चीज़ है, तो वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप जो पेमेंट गेटवे की सेटिंग जो डालेंगे, वो होगी जो आप डॉक्टर से पेमेंट लेंगे, ठीक है। तो जो भी है आप उसके यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप टेस्ट वगैरह की भी डाल सकते हैं, जो भी आपको टेस्ट या सैंडबॉक्स ऑप्शन होता है कि टेस्टिंग के लिए बेसिकली, ठीक है। और लाइव मतलब ऑफ कोर्स आप पेमेंट लेना चाहते हैं, ऑफलाइन पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाता है, किसी यूज़र कोई है, उसने आपको बोला है, आपने बात करी, पेमेंट ले लिया, तो आप यहाँ से उस यूज़र को अपडेट कर सकते हैं। तो अभी कोई यूज़र है नहीं, यहाँ पे अपेरेंस में चेंजेस करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज आ गई, जब हमने मल्टी लैंग्वेज में बात करी थी वो चीज़, तो यहाँ पे आप लैंग्वेजेस अलग अलग अपडेट कर सकते हैं, उनके नाम चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारे प्लान थे, ठीक है, जो $35 था वो ₹35 अब INR हो गया, रुपीज़ का सिंबल आ गया। तो इसमें अगर आपको कोई चेंज करना है, जैसे इसमें ऑनलाइन कंसल्टेंट होगी, दो पेशेंट होंगे, आप चाहते हो या अनलिमिटेड हो, एडिट प्लान पे आपने क्लिक किया, ऑनलाइन -1 डालते ही या अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, दिस इग्नोर दिस एरर, क्योंकि वो ईमेल एड्रेस के चक्कर में दिखा रहा है। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट बाई डिफॉल्ट ही डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी आई थिंक एक्सरे के लिए होता है, और तो मतलब हड्डियों के लिए, मतलब मेरे को कुछ ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, गैस्ट्रोलॉजी वगैरह, गैस वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आ गया यूज़र, ठीक है। तो जो भी यूज़र हो गए आपके पास, ईमेल वगैरह आपसे फिल्टर कर सकते हैं, अभी के लिए कोई है नहीं। यहाँ पे आ गया ब्लॉग, जिससे आपको ऐसे में हेल्प मिलेगी, और ये हो गया वर्क, चूज प्लान, गेट पेड, स्टार्ट वर्किंग। तो यहाँ अगर फ्रंट में दिखाना है तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे आ गया सर्विसेज और पेजेस, अगर आपको कोई एड ऑन पेजेस बनाना है, क्योंकि जब भी आप पेमेंट गेटवे को वेरीफाई करेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी एंड रिटर्न पॉलिसी आपको चाहिए होगी, तो मेक श्योर इन पेजेस को आप अपडेटेड रखिएगा, क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूज़र पैनल। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड पे जाते हैं। अब बात आती है हमारे डॉक्टर साहब के, तो उसका नाम हम दे देते हैं डेमो सिंह। यहाँ पे ईमेल एड्रेस बना देते हैं demo2, ठीक है, @gmail, और पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। वंस इज डन, आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक किया, तो अभी हम कर रहे थे एडमिन का, जो साइट का एडमिन था, अब ये आ गया डॉक्टर साइट का, ठीक है। तो डॉक्टर साहब बेसिक प्लान है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। कोई और प्लान पे अपग्रेड करना चाहें तो वो अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपग्रेड करना है तो आपको पेमेंट को अनेबल करना होगा, जो अभी हमने अनेबल नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे आपका चैम्बर का नेम है, बेसिकली आप अपने हॉस्पिटल का नाम आप बोल सकते हैं, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो जो भी आपको नाम दे रहे हैं। अपॉइंटमेंट ले में, एक दिन में कितनी अपॉइंटमेंट आएंगी आप वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपको दे रहे हैं आप डिसाइड कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट का आपका है, जैसे गैस्ट्रोलॉजी चैम्बर्स में आ गया इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं आपसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो सब्सक्रिप्शन ऑप्शन हो गया, यहाँ पे आपके पास पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, जो भी पेमेंट आपने किया होगा वो उसी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई नई अपॉइंटमेंट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं भी दिखाता हूँ। यहाँ पे QR आ गया, जिसको आप अपने ऑफलाइन मोड में कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा, जहाँ से वो सेटिंग करेगा। अभी डिसेबल रेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। चैम्बर्स मैंने बता दिया, जैसे कि आपके गैस्ट्रोलॉजी के अंदर चैम्बर है, आपको और कोई वेट करना तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हम एक गैस नाम से डिपार्टमेंट बना देते हैं, गैस्ट्रोलॉजी की स्पेलिंग मुझे नहीं पता भाई। तो सेटिंग्स आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लाइव मोड और ये सारे मोड आ गया कि किस जगह पे आपको करना है। तो इंडिया के लिए करेंगे तो यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे आपको जो भी रेजर पे वगैरह में डालना है तो यहाँ पे आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे पेपाल को कर देते हैं और डेमो डाल देते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर शो। अब जैसे ये आई थिंक ब्राज़ील का है, ब्राज़ील का है, ठीक है। पेमेंट गेट, यहाँ पे कंसल्टेंसी सेटिंग आ गई। अब यहाँ पे आपके जूम की सेटिंग है, तो जूम की मीटिंग ID चाहिए होती है, तो इसे ऑटोमेटिकली क्या करता है, जूम की इनवाइट लिंक क्रिएट करता रहता है। तो कैसे करना है, जूम के पेज पे जाना है, मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ, इस पेज पे जाना है, लिंक पे दे दूंगा, मार्केट, यहाँ पे गए, साइन इन किया आपने,
साइन इन करने के बाद क्या होगा, जिसकी यहाँ पे आपके पास बिल्ड बिल्ड ऐप का ऑप्शन आएगा, JWT पे क्लिक किया, ठीक है, और जो भी आपको नाम देना है वो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे API की के क्रेडेंशियल्स पे जाके यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, कंपनी के इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब भरा, ये आपके सीक्रेट के सीक्रेट आ गया, जिसको आपको कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे आपको जाना है, अब गूगल मीटिंग के लिए बस गूगल मीटिंग पे जाना है और लिंक कॉपी करना है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कंसल्टेंसी फीस दे सकते हैं भाई, कितने रुपये लेंगे आप, ठीक है, और किससे आप मीटिंग करेंगे, तो आपने बोला आप यहाँ से करेंगे, लाइव कंसल्ट अलाउ पेशेंट टू बी ऑनलाइन कंसल्ट, सेव कर दिया, तो इस तरह से यहाँ से हो गया। आप गूगल मीटिंग का भी दिखा देता हूँ, जैसे कि हमें गूगल मीट टाइप करना है, नॉट गूगल मीट, लिंक टाइप किया, यहाँ पे आप गूगल मीट भी टाइप कर सकते हैं, शेड्यूल फॉर लेटर पे क्लिक कर दीजिए, लिंक आया, कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया, डन, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लिंक पहुँच जाएगा, यहाँ पे भी इसको गूगल मीट सेलेक्ट करिएगा, मेक श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जो भी कंसल्टेंसी होंगी वो यहाँ पे जाएगा, स्टाफ ऐड करना तो वो आ सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, अब देखिए बहुत सारे डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सरे डाल देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे डाटा है नहीं ज़्यादा, ठीक है, एक्सरे हो गया, कुछ एडवाइस देनी है आपको, ठीक है, ड्रिंक, ठीक है, एडवाइस हो गई, कुछ डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, अच्छा क्लिनिक का डायग्नोसिस हुई था, तो मतलब यहाँ पे और भी कुछ देना चाहे, हाँ, अब प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको जैसे यहाँ पे आपने ड्रग्स दे दिया, ठीक है, ड्रग्स बोले तो कोकीन नहीं, मतलब दवाइयाँ, तो दवाई के लिए हमें कोई भी दवाई नहीं पता, तो XYZ, ठीक है, और उसकी डिटेल दे दी, किस चीज़ के लिए दवाई है या जो भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नहीं है तो हम एक काम करते हैं कि हम लोग जो इनका डेमो मोड है उसको यूज़ कर लेते हैं, तो कैसे यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, तो इनका डेमो मोड मेरे पास, या ठीक है, तो हमने डॉक्टर का भी हमने सब देख लिया था, तो हम यहाँ पर डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन एक बार डाल देते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम थी, सारी डालनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा डाटा आ गया, कैसे, हमने प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बना लिया था, जो भी हमारे होंगे क्लिनिक डायग्नोस्टिक्स एडवाइस वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, काफ़ी उन्होंने काफ़ी अलग अलग कंटेंट डाल रखा है, अलग अलग में, ठीक है, पर काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, एनजाइटी वगैरह, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन सारे आपको आ जाएंगे, और यहाँ पे पहले से अपना जो भी आपको एडवाइस देनी है, जो भी जिस भी चीज़ से, आप उसको यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखेंगे, तो इजीली आप डाल पाए। यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे वहाँ पे हमने चेक नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हमें अपॉइंटमेंट देनी किसी को, ठीक है, तो हम इनको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी कोई है, तो हम यहाँ से ऐड अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमको आज की अपॉइंटमेंट देनी है, ठीक है, और हमारे पास समय नहीं है, ऑलरेडी कोई ना कोई अपॉइंटमेंट बुक होगी, हम 21 तारीख की अपॉइंटमेंट दे देते हैं, हमें 12:30 से 1 बजे की हमारे पास एक अपॉइंटमेंट है, हमने बोला उसे हम ऑनलाइन देना चाहते हैं, न्यू पेशेंट है, न्यू पेशेंट का जो भी नाम है हमने यहाँ पे दे दिया, डेमो सिंह, फिर से डेमो, ठीक है, फ्री, और जो भी आपका नंबर था आपने वो नंबर डाल दिया, यहाँ पे एज डाल दी, और वेट वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, और आपने यहाँ पर डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेशेंट क्रिएट ओके पास हो जाएगा, एक ऑप्शन तो ये है, ठीक है। अब मैं इसी डेट पे दूसरी देखो अपॉइंटमेंट लेने जाऊँगा, मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, देखिए तो ऑलरेडी यहाँ पे अपॉइंटमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे लिस्ट ऑफ डेट पर मैं जाता हूँ, तो हमने डेमो सिंह की अपॉइंटमेंट क्रिएट करी हुई है या नहीं हुई है, तो अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत है इसमें कि आपको बिल्कुल नीचे जाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे गए 21 मई में, 3 अपॉइंटमेंट है, सी लिस्ट पे क्लिक किया, ठीक है, डेमो सिंह की हमारी अपॉइंटमेंट आ गई, ठीक है, तो हम स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं, पर तभी वहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँचेगी नहीं, हमारी जूम मीट स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको दूसरे जैसे देखते हैं, पर अगर मान के चलो मुझे प्रिस्क्रिप्शन सेंड करना है सपोज इसी पे, ठीक है, यहाँ पे, तो हम कैसे करेंगे, एडिट पे क्लिक किया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डायग्नोसिस पे क्लिक किया, जो भी थे डायग्नोसिस, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया, कोई एडिशनल एडवाइस थी, कोई भी एडवाइस थी वॉमिट के ऊपर, आप यहाँ से सेलेक्ट करें, अब आपने यहाँ से ड्रग सेलेक्ट किया, अब वो देने क्या है, मतलब जो भी दवाई है, सपोज़ कोई सिरप है तो आप उसको कैसे दे सकते हैं, शाम को लेनी है, दिन में लेनी है, कितने बजे लेनी है, तो इस तरह से बिफोर आफ्टर मील जो भी है, और कोई नोट डालना है, तो इस तरह से आपने सारी एडवाइस दे दी, पेशेंट तो देखो यहाँ पर डेमो लिखा ही हुआ है, ठीक है, कोई और अगर आपको 5 कितने बाद फॉलोअप करना है, जैसे मोस्टली 5 डेज बाद फॉलोअप चलता है,
तो आपने लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह का ही आपके पास आता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस ये हुआ, ये जो आपको टेस्ट कराने हैं यहाँ पर डिटेल लिख गई, हुआ सेव एंड कंटिन्यू, तो जो इनका ईमेल एड्रेस होगा वहाँ पे ये चीज़ पहुँच जाएगी, ठीक है, वो इजीली इसको यहाँ पे ले सकते हैं। अब सेम चीज़ पे हम देखते हैं यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो यूज़र पॉइंट ऑफ के लिए हम ऐसे क्या करते हैं, ये हमारा अकाउंट क्या है, ठीक है, एलेक्स का अकाउंट है, तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम एलेक्स एक्सपर्ट पे जाते हैं, एलेक्स को ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, जैसे काफ़ी लोगों ने अपॉइंटमेंट अलाउ नहीं करी है डॉक्टर बना लिए, तो इसलिए वो अपॉइंटमेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आगे चैम्बर्स, तो आप दे सकते हैं अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेनी है। अब हम 21 तारीख कोई उस वक्त की लेने की देखने की कोशिश करते हैं, देखिए सब बंद हो गया, सिर्फ हमारे पास एक स्लॉट अवेलेबल है वही वाला, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, ठीक है, अब जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है, तो यहाँ पे आएगा डेमो 4, ठीक है, तो डेमो 4 कर दिया हमने, demo4@gmail.com, ठीक है, जो भी आपको पासवर्ड डालना है वो आपने डाला, जो भी आपको नंबर डालना है आपने वो नंबर डाला। अब क्या होगा, ऑलरेडी अगर आप वो ईमेल एड्रेस जो क्रिएट किया था वो होता तो हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते थे, तो यहाँ पे देखिए ये अकाउंट पूरा क्रिएट हो गया। अब ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया, तो जो भी आपका पेमेंट, अब इसमें पेमेंट मेथड जो है उसमें शायद टेस्ट नहीं है, ठीक है, ये हमने देखा था, तो देखिए पोर्टुगीज लैंग्वेज में आ गया, अब इसमें टेस्ट है या नहीं है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको बैक्स करते हैं, सैंड बॉक्स है लिखा तो है वैसे, तो अभी हम पूरा अकाउंट क्रिएट नहीं करने वाले इसलिए हम बैक कर लेते हैं जस्ट फॉर केस। मैं अपना रेजर पे होगा तो रेजर पे पेमेंट गेटवे आ जाएगा, तो यहीं पे आपके पास अपॉइंटमेंट आ जाएगी, अपॉइंटमेंट आने के बाद इजीली आप वहाँ से इजीली आप यहाँ से कॉलिंग कर सकते हैं, और जो वीडियो कॉलिंग है जब पे नाउ किया तो वो स्टार्ट का जो ऑप्शन था वो स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वो आपका गूगल मीट का ऑप्शन खुल जाएगा, अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन होगा तो प्रिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देखने लगेगा। तो इस तरह से आप बेसिकली एक टेली मेडिसिन के लिए क्रिएट कर सकते हैं, दैट गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 10-15,000 रुपीज़, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो